पत्नी कहते ही उसे, जो पति को संकोच से निकाले उसी को पत्नी कहते हैं। उसको नहीं कहते कि मीठी मीठी बात करते करते और ज्वेलरी के शोरूम पे ले जाके खड़ा कर दे, उसको नहीं कहते। सीता जी ने अंगूठी उतार दी और दे, भगवान कह ले कहे कृपाल ले उतराई, केवट पीछे हट गया। नहीं प्रभु, नहीं नहीं, हमको कुछ देखिए, सामान्य अंगूठी नहीं है, केवल एक कितने तोले की होगी, आधे तोले की होगी, के उसकी जो तौल होती है उससे उसका मूल्य नहीं है। मूल्यवान ये है, ये यात्रा बहुत लंबी करके अंगूठी आई है जो सीता जी की उंगली में आई है। इसी अंगूठी को, ये मायावी अंगूठी है, इसको ब्रह्मा जी ने संकल्प से बनाया था। ब्रह्मा जी ने बनाकर इसको बृहस्पति जी को भेंट की। बृहस्पति जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, पिता पुत्र को ही देता है, तो बृहस्पति जी को दी। बृहस्पति जी ने राजा इंद्र को दे दी प्रसन्नता में, कि राजा प्रसन्न रहेगा तो अच्छा रहेगा। इंद्र के पास आ गई। एक बार दशरथ जी ने एक युद्ध में इंद्र के प्राणों की रक्षा की थी, तो प्रसन्नता में आकर इंद्र ने वो अंगूठी दशरथ जी को दे दी। दशरथ जी ने वो अंगूठी प्रसन्नता में कौशल्या जी को दे दी। कौशल्या जी ने प्रसन्न होकर, एक बार केकई ने युद्ध में दशरथ जी के प्राण बचाए थे और केकई बहुत दुलारी भी थी कौशल्या जी की, तो वो अंगूठी कौशल्या जी ने केकई को दे दी। और विवाह होकर जब जानकी जी श्री अयोध्या आई है, तो केकई ने वो अंगूठी जानकी जी को मुंह दिखाई में दे दी, जिसको आज भगवान केवट को देना चाह रहे। कितनी लंबी यात्रा करके आई। यहां बहनें जानती हैं कि कोई कोई जेवर उनके लिए बहुत कीमती होता है। जैसे कभी घर में 19-20 कुछ स्थिति आ जाए और जेवर कहीं देने लेने पड़ जाए, गिरवी रखने पड़ जाए, तो माताएं अपनी सारे जेवर दे देंगी, लेकिन एक बहुत मैली कुचैली सी चेन उनके पास पेंडल रहता है, उसे नहीं देती। बोले ये नहीं दूंगी मैं, ये मेरे लिए पूज्य है। जब मैं पहली बार बहू बनकर डोली से उतरी थी, तो मेरी दादी सास ने ये मुझे भेंट में दी थी, आप सब कुछ ले जाइए पर ये मैं नहीं दूंगी। तो किन हाथों में होकर आई है यह अंगूठी, उसका मूल्य है। सोना कितना होगा उसका मूल्य नहीं है। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को दी, बृहस्पति जी ने इंद्र को दी, इंद्र ने दशरथ जी को दी, दशरथ जी ने कौशल्या जी को दी, कौशल्या जी ने केकई जी को दी, केकई जी ने जानकी जी को दी, और जानकी जी केवट को देना चाह रहे हैं।